दूसरा विलोपन विधि। समीकरणों को हल करने के एक अन्य तरीके में कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटाकर उसे एक चर के समीकरणों के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण 10। रिचा और नैना के पास कुछ टाफियां हैं। जब रिचा नैना को 30 टाफियां देती है तब नैना के पास रिचा से दुगनी टाफियां हो जाती है। परंतु जब नैना अपनी टाफियों में से 10 टाफियां रिचा को देती है तब रिचा के पास नैना से 3 गुनी टाफियां हो जाती है। बताइए उन दोनों के पास कितनी टाफियां है। हल। माना कि रिचा के पास टाफियों की संख्या x है, नैना के पास टॉफियों की संख्या y। जब रिचा 30 टॉफियां नैना को देती है तब रिचा के पास टॉफियों की संख्या x ऋण 30 तथा नैना के पास टॉफियों की संख्या बराबर y धन 30। प्रश्न अनुसार 2 को हम रिचा के पास जो टॉफियों की संख्या है x ऋण 30 से गुणा करेंगे बराबर y धन 30। ये जो है टाफिया y धन 30 नैना के पास टाफियों की संख्या है। अब यहाँ हम जब कोष्टक को खोलेंगे तो 2x ऋण 2 गुणित x 2x ऋण 2 को जब 30 से गुणा करें तो 60 बराबर y धन 30। या इसको हम लिख सकते हैं 2x, y का पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में तो ऋण y बराबर 30, ऋण 60 का पक्षांतर करेंगे तो धन 60। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2x ऋण y बराबर 90। ये हमारा समीकरण 1 है। परंतु जब नैना रिचा को 10 टाफियां देती है तब रिचा के पास टाफियों की संख्या बराबर x धन 10, नैना के पास टाफियों की संख्या बराबर y ऋण 10। तब प्रश्न अनुसार x धन 10 यहाँ पे अभी रिचा के पास टाफियों की है बराबर 3 गुना हम गुणा करेंगे नैना के पास टॉफियों की संख्या जो कि है y ऋण 10। कोष्टक को दाएं पक्ष के कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें 3y ऋण 30 प्राप्त होगा। और इसके बाद y का पक्षांतर हम दाएं से बाएं की ओर करेंगे तो x 3y जो है ऋण 3y हो जाएगा बराबर ऋण 30। और धन 10 का पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में तो ऋण 10। या x ऋण 3y बराबर ऋण 40, जो कि हमारा समीकरण x ऋण 3y बराबर ऋण 40 समीकरण 2 है। अब 2x ऋण y बराबर 90, यह हमारा समीकरण 1 है। और x ऋण 3y बराबर ऋण 40, यह हमारा समीकरण 2 है। क्या समीकरण 1 व 2 में x या y के गुणांक समान है? नहीं, x या y के गुणांक समान नहीं है। तब क्या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या जोड़ने पर x या y निरस्त हो पाते हैं? x या y के गुणांक समान कर दिए जाए तो संभव है कि समीकरण 1 में 2 को घटाने या जोड़ने पर x या y निरस्त हो गए। हम गुणांक समान करने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के x के गुणांक 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने के लिए 2 x ऋण 3y बराबर ऋण 40 गुणा 2।
बराबर, कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो 2x ऋण 2 तिया 6y बराबर ऋण 80, तो 2x ऋण 6y बराबर ऋण 80, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर आगे देखते हैं, बराबर 2x ऋण y ऋण कोष्टक में 2x ऋण 6y बराबर 90 ऋण कोष्टक में ऋण 80, या 2x ऋण y ऋण 2x धन 6y बराबर 90 धन 80, या 6y ऋण y 2x ऋण 2x यहाँ कट जाएगा, और 6y में से ऋण y हुआ तो 5y बराबर 170, या y बराबर 170 बटा 5, या y बराबर 34। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा जो है वो 2x ऋण y बराबर 90, समीकरण 1, समीकरण 1 में y का मान 34 रखने पर 2x ऋण 34 बराबर 90 बराबर 2x बराबर 90 ऋण 34 का पक्षांतर धन 34, या 2x बराबर 124 बराबर x बराबर 124 बटा 2, या x बराबर 62। तो इस तरह से स्पष्टता, ऋचा के पास 62 तथा नैना के पास 34 टॉफियां है, यह इस प्रश्न का हल होगा।